नमस्कार प्यारे दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। हम हमेशा कारक और मारक के पीछे परेशान रहते हैं, लेकिन बहुत बार पता चलता है जो हमारे अच्छे ग्रह जिनको हम जानते हैं, बृहस्पति बहुत अच्छा दिख रहा है, लगता है इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी या बहुत अच्छा फल देगा। कभी कभी अच्छे ग्रह खराब फल दे देते हैं और जिसे हमें लगता है कि ये खराब है, मारक है, वह अच्छा फल दे देता है। एक चीज समझ लीजिए, कोई भी ग्रह कुंडली में कारक हो या मारक हो, अगर कोई भी ग्रह पीड़ित है तो अशुभ फल देगा, और अगर कोई भी ग्रह शुभ प्रभावों में है, बली है, तो अच्छा फल देगा। तो आज मैं आप लोगों को पैरामीटर स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं कि यही पैरामीटर ग्रहों पे अप्लाई करिएगा। जितने अधिक पैरामीटर लागू हो गए, वह ग्रह उतना ही ज्यादा शुभता वाले फल प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा, और वही ग्रह आपको शुभ फल प्रदान कर देगा, और उसी ग्रह की दशा में गोचर में आप सुखी और संपन्न हो जाएंगे। शुभ फल देने वाले ग्रहों की पहचान कैसे करें, आपके लिए आज एक गिफ्ट है। मैं आपको एक PDF डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा, जहां पर आपको ये सारे सूत्र मिल भी जाएंगे। बीच कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। सभी सूत्र अपनी कुंडली के हर ग्रह पर या फिर करंटली जिसकी महादशा और अंतरदशा चल रही है उस पे लगाते जाइएगा, और आपको पता चल जाएगा कि ग्रह बलवान है कि नहीं है। जिसकी अंतरदशा चले, महादशा चले, लगाइए। बहुत से बार आप देखे होंगे लोगों की 7.5 चलती है, किसी के लिए बड़ा शुभ जाता है, किसी के लिए वही 7.5 तरक्की वाली हो जाती है। कुंडली में शनि कैसा है, बली है, निर्बली, इस बात पे निर्भर करता है। तो कोई भी ग्रह शुभ फल देने वाला कैसे हो जाएगा, देखिए सिर्फ एक कारक नहीं होते, कई कारक होते हैं ग्रह को शुभ और अशुभ बनाने वाले। एक ही ग्रह पे हो सकता है, अगर हम 15 पॉइंट अप्लाई करें, 15 बातें लगाएं, तो हो सकता है 10 बातें उसके ऊपर शुभ नियम वाले लागू होते हों और 5 बातें अशुभ वाले लागू होते हों। तो अगर शुभ वाली बातें ज्यादा लागू हो रही हैं, तो वह ग्रह आपको अंततः शुभ परिणाम देगा। अगले कार्यक्रम में अशुभ फल देने वाले ग्रहों की पहचान करना मैं बताऊंगा। चलिए पहला नियम ले लीजिए, अगर कोई भी ग्रह कुंडली में अपनी राशि में होगा, अगर कोई भी ग्रह कुंडली में स्वाग्रही होगा, तो उसके अंदर एक पॉइंट आ जाएगा, एक बल आ जाएगा, शुभ ग्रह यानी शुभ फल देने वाले में वो शामिल हो जाएगा। अगर ग्रह स्वाग्रही नहीं है, तो अगर वह ग्रह मित्र के घर में स्थित है, तो भी वह आपको शुभ फल देने वाला होगा। आपको किसी भी ग्रह पे ये सारे पॉइंट अपनाने चाहिए। अगर ग्रह स्वाग्रही भी नहीं है, मित्र ग्रही नहीं है, इसके बजाय वह ग्रह कुंडली में उच्च का हो, तो भी उस ग्रह के अंदर शुभता आती है, शुभ फल देने वाला हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह वक्री होगा कुंडली में, तो उसको चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, यानी वह बली हो जाता है। तो वक्री अगर वह ग्रह है, तो उसे भी आपको मानना है कि वह ग्रह कुंडली में बली हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई ग्रह कुंडली में वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम किसको बोलते हैं, वर्गोत्तम मतलब लगन कुंडली में जिस राशि में हो, नवमांस कुंडली में भी उसी राशि में हो, तो वर्गोत्तम होगा। सूर्य लगन कुंडली में 9 नंबर की गिनती पर है, नवमांस में भी 9 नंबर की गिनती पर आ गया, धनु राशि पर आ गया, तो इसी को वर्गोत्तम होना बोलते हैं। तो ये हो गया। अगला होता है, अगर कोई ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ स्थित हो, शुभ ग्रह का सानिध्य मिल जाए, जैसे मान लीजिए मंगल है कुंडली के किसी भाव में, और उसी के साथ में गुरु आ गया, चंद्रमा आ गया, बुध आ गया, शुक्र आ गया, कोई भी शुभ ग्रह का सानिध्य पाने वाला ग्रह शुभ ग्रह के साथ स्थित हो। अब जैसे कि गुरु है और इसी के साथ मान लीजिए बुध आ गया, तो यहां पर बुध और गुरु दोनों को शुभ ग्रह का साथ मिल गया है। लेकिन जब मंगल और गुरु का योग होगा, तो मंगल को तो गुरु का साथ मिला है, लेकिन गुरु को मंगल का मिला है, यानी मंगल के लिए तो गुरु शुभ ग्रह है,
साथ देने वाला, लेकिन गुरु के लिए मंगल क्रूर ग्रह होता है। तो अगर कोई भी ग्रह कुंडली में कहीं बैठा है, उसी के साथ में कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो यहाँ पर वह ग्रह शुभ फल देने वाला हो जाता है। बहुत बार एक ही भाव में आपको तीन ग्रह मिल जाएंगे, जैसे मान लिए मंगल मिल गया, शनि भी उसी भाव में है, गुरु भी उसी भाव में है। तो अब डिग्री वाइज देख लेंगे कि गुरु डिग्री कली किसके पास में है, उसके ऊपर शुभ प्रभाव माना जाएगा। मंगल और शनि दोनों के बीच में गुरु बैठा है डिग्री कली, तो दोनों पे गुरु का शुभ प्रभाव आ गया। लेकिन मंगल मान लीजिए 8 अंश का है, शनि 12 अंश का है, गुरु 18 अंश का है, तो अब 12 और 18 अंश समीप हुए, 8 से दूर हो गया है, तो ये शुभ प्रभाव गुरु का शनि के ऊपर बनेगा। तो अगर कोई ग्रह शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। इसी प्रकार से अगर शुभ ग्रह साथ ना हो बल्कि शुभ दृष्टि पड़ रही हो, किसी ग्रह को कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, गुरु की दृष्टि किसी ग्रह पे पड़ रही हो, शुक्र की पड़ रही हो, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की पड़ रही हो, बुध की दृष्टि पड़ रही हो और चंद्रमा बुध अस्त ना हो, तो उसे शुभ दृष्टि मानेंगे, चाहे शुभ ग्रह के साथ हो चाहे शुभ ग्रह की दृष्टि में हो। आप इसमें से ज्यादातर पॉइंट्स पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य यहीं पर स्वाग्रही होकर के बैठ गया है, सूर्य स्वाग्रही है और इसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी आ गई, और नवमांश कुंडली में भी सूर्य सिंह राशि में है, तो ऐसे वर्गोत्तम भी हो गया, स्वाग्रही भी हो गया, शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो गई। तो जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनमें से जितने अधिक पॉइंट्स मिल जाए ग्रह के अंदर शुभ फल देने की क्षमता उतनी ही अधिक हो जाती है। तो अगला नियम देखते हैं, शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, अन्यथा वह ग्रह शुभ कर्तरी में हो। शुभ कर्तरी किसको बोलते हैं, शुभ कर्तरी किसी भी ग्रह के आगे और पीछे शुभ ग्रह बैठा हो, सूर्य लगन में बैठा हुआ है या किसी भी भाव में बैठा है। अब सूर्य के पीछे एक शुभ ग्रह हो, सूर्य के अगले भाव में एक शुभ ग्रह होगा, तो शुभ कर्तरी योग बन जाएगा। लेकिन यहां पर एक नियम और समझ लीजिए, अगर ग्रह के आगे और पीछे भाव में शुभ ग्रह नहीं है बल्कि एक ही भाव में है, तब कैसे निकालेंगे। मान लीजिए चतुर्थ भाव में हमारे पास तीन ग्रह मिल गए, एक चंद्रमा मिला, एक मंगल मिला, एक गुरु मिल गया। चंद्रमा मंगल गुरु मिल गया, मंगल यहीं पर है, चंद्रमा यहीं पर है, गुरु यहीं पर है। अब अगर मंगल की डिग्री ऐसी हो कि उसकी चंद्रमा और गुरु के बीच में स्थिति पड़ जाए, मंगल 12 अंश का है, चंद्रमा 2 अंश का है, गुरु 28 अंश का है, तो 12 अंश का है, 12 के पहले 2 पड़ रहा है, 12 के बाद 28 पड़ रहा है, तो इस प्रकार से भी शुभ कर्तरी योग देखेंगे, ना कि सिर्फ अगले और पिछले भाव में। अगर उसी ही भाव में डिग्री वाइज योग बनेगा तो भी उसे शुभ कर्तरी योग मान के चलना है। तो ये हो गया शुभ कर्तरी योग में अगर कोई ग्रह है। अगला सूत्र ले लीजिए, अगला सूत्र है अगर कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में स्थित हो। पुष्कर नवमांश क्या होता है, देखिए पुष्कर नवमांश में वही ग्रह हो सकते हैं जो नवमांश कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में हो, और उनकी डिग्री का महत्व होता है। तो पुष्कर नवमांश पे पहले भी मैंने आपको कार्यक्रम दिया है, इसलिए यहाँ पर इसकी विवेचना नहीं कर रहे हैं। जो पीडीएफ आपको मिलेगा, जिस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे, उसमें पुष्कर नवमांश के बारे में लिखा रहेगा। यह पीडीएफ आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इन सारी चीजों का विवरण भी आपको मिलेगा। अब आगे, अगर कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में है तो उसके ऊपर शुभ प्रभाव बढ़ जाएगा। सूर्य स्वाग्रही है, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, नवमांश कुंडली में भी वर्गोत्तम हो गया है तो शुभ हो गया, वर्गोत्तम नहीं हुआ बल्कि पुष्कर नवमांश में हो गया, तो एक भाग उसके ऊपर शुभता का और लागू हो गया। जिस प्रकार से ग्रह का पुष्कर नवमांश होता है कि हाँ नवमांश कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में हो, फिर इन इन अंशों में स्थित होगा तो पुष्कर नवमांश में होगा, उसी प्रकार से पुष्कर भाग होता है।
पुष्कर नौमांस का एक उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे कोई ग्रह अग्नि तत्व में, पहले तो नौमांस कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में हो, मान लीजिए मंगल नौमांस कुंडली में तुला राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में आ गया। अब यह पुष्कर नौमांस के होने की क्राइटेरिया में आया। अब क्या देखेंगे, नौमांस कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में हो, उसके बाद मान लेते हैं कि लग्न कुंडली में वह अग्नि तत्व की राशि में 1-5-9 में स्थित है। अग्नि तत्व की राशि में अगर कोई ग्रह हो और उसकी डिग्री 20 अंश से लेकर के 23 अंश 20 मिनट के बीच होगा तो वह पुष्कर नौमांस में होगा। या फिर अग्नि तत्व में वही ग्रह 26 अंश 40 मिनट से लेकर के 30 अंश के बीच होगा तो पुष्कर नौमांस में होगा, लेकिन पहले वह नौमांस कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में हो। पीडीएफ में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो पुष्कर नौमांस के अलावा एक होता है पुष्कर भाग। अगर कोई ग्रह पुष्कर भाग में स्थित है, हर राशि में जैसे मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन 12 राशियों में एक विशेष अंश होता है, जैसे मेष राशि वृषभ राशि 0-30 अंश की होती है ना, तो एक विशेष अंश होता है जहां पर ग्रह पुष्कर भाग में होता है। अगर ग्रह उस राशि में उतने अंश पर स्थित हो, जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और इस पे पहले से वीडियो बनाया हूं इसलिए इस पे ज्यादा नहीं बता रहा हूं, अन्यथा वीडियो लंबा होगा और बोरिंग होगा, जो पहले से बना है आप वहां पर देख सकते हैं। तो पुष्कर भाग में अगर कोई ग्रह होगा तो वह जो है आपके लिए शुभ फल देने वाला हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी ग्रह मृदु नक्षत्र में स्थित हो, मृदु नक्षत्र, उग्र नक्षत्र, तीक्ष्ण नक्षत्र, लघु नक्षत्र, दीर्घ नक्षत्र, सब कुछ आपको पहले से बताया गया है और कौन कौन से नक्षत्र मृदु नक्षत्र में आते हैं ये पीडीएफ में भी आपको मिलेगा। अगर कोई ग्रह मृदु नक्षत्र में स्थित है तो फिर से उसके ऊपर शुभता प्रदान करने वाला बल बढ़ जाता है, एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह नवमांस कुंडली में उच्च का होगा तो शुभता वाला एक पॉइंट और बढ़ेगा। अगर कोई ग्रह नवमांस कुंडली में उच्च का है तो उसके अंदर शुभ फल देने की शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, लग्न कुंडली में कहीं केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र मतलब 1-4-7-10 और त्रिकोण मतलब 5-9 इन भावों में स्थित होता है तो भी उसके अंदर शुभता बढ़ती है। विशेष रूप से त्रिकोण में पांचवें और नौवें भाव में स्थित ग्रह की शुभता बढ़ती है। इसके अलावा वह ग्रह शुभ फल देगा जो किसी भी प्रकार से कुंडली में राजयोग में शामिल हुआ हो। कुंडली में कोई ग्रह राजयोग में शामिल है तो एक पॉइंट और बढ़ेगा। अब जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को आपको देखना है कितने ज्यादा मिल रहे हैं। अगले कार्यक्रम में जब अशुभ फल देने वाला आपको बताऊंगा कि क्या क्या पैरामीटर है, तब दोनों से आप मिलान कर सकेंगे और देखेंगे किसी ग्रह पे शुभता वाले पैरामीटर अधिक है कि अशुभता वाले। मान लीजिए शुभता वाले 9 आ गए, अशुभता वाले 5 आ रहे हैं, तो विजयी कौन होगा? शुभता वाला, यानी वह ग्रह ओवरऑल आपको शुभ फल प्रदान करेगा। उस ग्रह से आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इसकी दशा अंतरदशा आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी। तो उम्मीद है विषय वस्तु समझ में आया होगा और यह उपहार आपके लिए है। जाकर के पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।